करौली जिले में पतंजलि योग को लीज पर दी गई भूमि मामले में विवाद हो गया। खातेदारी की भूमि जबरन हथियाने के आरोप में शनिवार सुबह दो पक्ष आमने सामने हो गए। इस मामले को लेकर आज दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। दरअसल जमीन विवाद पहले से चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमीन अपनी अपनी बताई जा रही थी। इस मामले में पतंजलि को लीज पर दी गई भूमि पर समतल करने का कार्य किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश सारस्वत का कहना है कि यह जमीन उनके पिता की खातेदारी की भूमि है, जिस पर राजस्व विभाग और SDM का स्टे आदेश होने के बावजूद पतंजलि के पदाधिकारियों की ओर से जबरन कार्य किया जा रहा है। पतंजलि की ओर से जमीन के समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है और पदाधिकारियों का कहना है कि गोविंद देव जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से पतंजलि को यह भूमि लीज पर दी गई है, जबकि ओम प्रकाश का कहना है कि यह भूमि उनकी है और जबरन इस पर कब्जा किया जा रहा है। साथ ही इस पर अधिकारियों की ओर से कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप भी लगाए। वहीं मामले को लेकर पतंजलि पीठ द्वारा कराए जा रहे भूमि समतलीकरण के मामले में ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने भी पहुंचे।